अगर मैं लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूँ ना तो शायद लोगों को लगेगा मैं उत्तराखंड या हिमाचल पे हूँ। इमोशनल हो रहा हूँ मैं। भाई 12 बज रहे हैं और अब भी जस्ट पहुंचा मैं। वी आर एट 6th माउंटेन और ये आ गया और एक तीर्थ। तो यहाँ पे एक होली डिप लेके ही जाना है ऊपर। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। होली डिप ले लिया, अभी 7th माउंटेन, लेट्स गो। भाई पानी इतना ठंडा था ना, इतना मज़ा आया इधर, मतलब इतना रिफ्रेशिंग था, इतना टायरिंग पूरा जर्नी के बाद। वो जो 10 मिनट था ना, हेवन था। बट उसके से पैर एकदम सॉफ्ट हो गए रहेंगे शायद, इतना पेन कर रहा है अभी वॉक करने के लिए। ठीक है अभी यहाँ से व्यू देखो, पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है हम लोग हिमाचल पे। वही सीरियसली, जैसे जैसा ऊपर आ रहा है ना, पूरा क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है और इतना ठंडा हो रहा है इधर। पूरा रॉकी माउंटेन है, अभी ऐसे ही जाना है। द पाथ विल गेट टफर नाउ। चलो इतना आगे, अभी महादेव ही हेल्प करेंगे ऊपर तक जाने के लिए। कैमरा डेफिनेटली जस्टिस नहीं करेगा बट जो मैं देख रहा हूँ ना, अमेजिंग है, सुपर हीरो जैसा फील कर रहा था। तो मैंने केप लगा दिया, टॉवल बांध लिया पीछे सुखाने के लिए। चलो और 1-1.5 घंटा और। भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना रॉकी माउंटेन से नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट। चलो यहाँ तक आ गए और थोड़ी देर और। कौन विश्वास करेगा, ये एकदम समर का पीक है। वही ये देखो नज़ारे, दिस इज होम ऑफ शिवा। मतलब मजाक नहीं है, सीरियसली मेरा पैर ना बटर हो गया बाबा, इतना सॉफ्ट, चल ही नहीं पा रहा हूँ, इतना पेनफुल है ये, इतना स्टीप और कंटिन्यूस रॉकी माउंटेन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अभी आफ्टर 6 आवर्स फाइनली पहुंच गए। सीरियसली बस थोड़ा देर अकेले बैठूंगा महादेव के शरण में, थोड़ा मेडिटेट करूंगा, फिर वापस जाने का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। भाई मेडिटेट कर लिया, अब कुछ खाते, बहुत ज़ोरों से भूख लगा है, मतलब सुबह से जो भी खाया ना सब डाइजेस्ट हो चुका है। क्या पीसफुल जगह है यार ये, बट ये ऐसा कोना मैंने सिलेक्ट किया ना, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस मैं और महादेव लॉर्ड शिवा। चलो कुछ खाएंगे, अभी बहुत भूख लगा है। ऑलमोस्ट 1 घंटा ही स्पेंड किया यहाँ पे, अभी निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया, नहीं तो अभी नीचे पहुँचते पहुँचते, मतलब अभी तो 3 o'clock हो गया है दोपहर का, तो नीचे पहुँचते पहुँचते 9 बजेंगे या मे बी 10। चलो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा नाइट में ट्रैक करने का, बट एक अच्छा चीज़ है कि शायद मेरे साथ और बहुत सारे लोग रहेंगे, मतलब आने के टाइम भी थे, मे बी आज इवनिंग को जो स्टार्ट करेंगे नाइट ट्रैक तो वो भी आते रहेंगे, तो इतना कुछ है नहीं डर। और यहाँ पे एक है कि लेडीज़ अलाउड नहीं है एक्चुअली, आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, मे बी एकदम डेंस जंगल है, अनसेफ फॉर वीमेन, तो बट काफ़ी 3-4 लेडीज़ को देखा मैंने, लेडीज़ एज इन जिनका एज मोर देन 50 था, बट उसके नीचे मैं देखा ही नहीं, और बच्चों को ज़रूर देखा, मतलब इतना सारे बच्चे थे ना, मुझे इतना अच्छा लगा उनको देख के, मतलब ये एज में अगर ग्रूम किया ऐसे बच्चों को तो अपना रूट स्ट्रांग रहेंगे, और कुछ नहीं। चलो अभी निकलते हैं ऐसे, पता नहीं वॉक कर पाऊँगा या नहीं, बट अभी तो जाना पड़ेगा। हर हर महादेव। ये जो पीछे देख रहे हो मेरा, ये है 7th mountain, मतलब वेलिंगिरी का जो मेन शिवा टेम्पल यहाँ पे है। फोटोज तो अलाउड नहीं थे वहाँ पे, तो बस दर्शन ले लिया। भाई एसेंट है ना, मतलब वो तो टफ ही था, बट जो डिसेंट है ना अभी, बाप रे, इट्स मोर टफर, मतलब पूरा वेट, एक तो लेग्स इतना वीक हो चुके हैं ना, और ऊपर से पूरा वेट उसके ऊपर डालना, पूरा शिवर हो रहा है लेग। हाँ स्लो ही जाएंगे, लेट हुआ तो हुआ, आराम से जाएंगे अभी। मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं क्या ही बताऊँगी, यू जस्ट लुक एट दिस एनवायरनमेंट। मतलब कुछ भी हो, दिस इज जर्नी ऑफ माई लाइफ टाइम। तरना मतलब वो भी बैरफुट, इट्स वेरी पेनफुल, मतलब वो ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, और बीच बीच में छोटे छोटे पेबल्स आते हैं ना, इट रियली हर्ट्स, बट ठीक है भाई, जो भी किया जितना भी यू नो लाइक पेन और इतना तकलीफ उठाया, सब वर्थ इट है। मतलब यहाँ पे आके मुझे याद भी नहीं है कि मैं बहुत थक गया हूँ या यू नो लेग्स आर एकिंग, बस अपने आप को सरेंडर कर दिया। बहुत मज़ा आ गया है राज, स्टार्टिंग में इतना तकलीफ हुआ, मतलब फर्स्ट माउंटेन तो बहुत ये पेनफुल था, बाद में जैसे जैसे ऊपर आते गए मतलब टफ था, बहुत पेनफुल भी था, टायरिंग भी था, बट एक टाइम ऐसा लगता है कि यू नो लाइक महादेवी आपका हेल्प कर रहे ऊपर आने के लिए।
आधा आधा वे तुम कैसे करके मेहनत करो और आधा रास्ता महादेव आपको उठा के लेके आएंगे। बट एकदम मैजिकल है प्लेस, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना ब्यूटीफुल है। मतलब जैसे जैसे ऊपर आते गए पूरा क्लाइमेट चेंज, इतना ठंडा हवा, मतलब ऐसा लगता है कि हिमालय पे ही हम लोग सच में। जो कैलाश बोलते हैं ना, नॉर्थ के जो कैलाश है उधर ही आ गए वैसे ही लगता है, बस बर्फ़ नहीं उतनी और उतना ही फ़र्क है। बाप रे, ये देखो कैसे रास्ते लॉर्ड शिवा के लिए कुछ भी। और ये शायद लास्ट मंथ है और इसके बाद ये पूरा वेलंगिरी जो माउंटेन है वो पूरा बंद कर देंगे, क्योंकि बारिश में बहुत रिस्की हो जाता है। मतलब अभी से इतना स्लिपरी है, बारिश के टाइम तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उतरना और चढ़ना। और मे बी वाइल्ड एनिमल्स का एक्टिविटी भी ज़्यादा रहता है बारिश के टाइम, तो उसके लिए पूरा बंद रखते हैं। मैं सच में बहुत लकी हूँ, मैं मई महीने में आ गया और ये प्लान एकदम सडन ये प्लान बनाया और अब तक तो सक्सेसफुली है। चलो अभी तक एक अच्छी बात है कि क्रैम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे उतना क्रैम्स बढ़ते रहेगा। अभी तक तो ठीक है, बस टायरिंग है बट ठीक है। ये जो पहाड़ है वो शायद इस, मतलब अभी जो मैं वेलंगिरी शिवा टेंपल गया मुझे लगता है इससे भी बड़ा है ये। नहीं नहीं, मतलब ऑब्वियसली मैं अभी तो कोई प्लान नहीं है उधर जाने का, बट बहुत ह्यूमंगस है, मतलब यहाँ से इतना बड़ा लग रहा है। फाइनली, मतलब क्या सोच रहा था मैं कि परमिशन मिलेगा या मिलेगा या बंद होगा, मई में बंद होगा ऐसा सोच रहा था मैं, और प्लान भी एकदम स्केप्टिकल था मेरा। बट फाइनली प्लान वर्कआउट हुआ, दर्शन हुआ और अभी वापस नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे आके ही समझेगा कि कैसा फील होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है। कभी अगर ईशा अगर प्लान कर रहे हो तो एक दिन इसके लिए छोड़ दो, मतलब ये वैसे भी ईशा का एकदम नज़दीक है, सेम बस ही पकड़ना है 14D शायद, तो आज भी वही बस पकड़ा। ईशा क्रॉस करके जस्ट 3 किलोमीटर्स है यहाँ का जो वेलंगिरी फुट हिल्स है वहाँ से स्टार्ट करना है। बट एक बार मुझे लगता है एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए, एक बार आ जाओ देन यू कैन थैंक मी लेटर। शाम का 4 बज रहे हैं और 3-4 घंटा नीचे उतरना है, मतलब नीचे पहुँचते पहुँचते शायद 8 या 9 बज जाएंगे, और अगर पैर अगर धोखा दिया तो पता नहीं लास्ट बस भी छूट जाएगा। यहाँ का स्टोरी कुछ ऐसा है कि मतलब पहले एक लेडी थी, वो बहुत एडमेंट थी कि उसको शिवा के साथ ही शादी करना है, शिवा से मिलना है, और उसने एक्चुअली एक डेडलाइन सेट किया था कि ये, मतलब ये टाइम तक शिवा से मिलना ही है उसको। और ये सुन के लॉर्ड शिवा भी इम्प्रेस हो गए और उसे मिलने के लिए आ रहे थे, बट कुछ कॉन्स्पिरेसी की वजह से उनको रोका गया और वो डेडलाइन क्रॉस हो गया, देन दैट वुमन किल्ड हरसेल्फ। तो अभी भी एक इधर वर्जिन माउंटेन है, वर्जिन टेंपल है शायद, तो अभी भी मानते हैं कि वो लेडी वहाँ पे ही है अभी भी एज फॉर्म ऑफ कन्याकुमारी, और शिवा को, लॉर्ड शिवा को उनको वो जो सैडनेस है वो मिटा नहीं था, तो वो ये पूरा माउंटेन वेलंगिरी माउंटेन चढ़ के ऊपर आए और यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। मतलब उन्होंने कुछ मेडिटेट ऐसा कुछ भी नहीं किया, जस्ट वो सैडनेस मिटाने के लिए, वो मतलब उनको जितना गुस्सा था वो सब मिटाने के लिए यहाँ पे वेलंगिरी माउंटेन चढ़ के आ गए और बहुत टाइम ऊपर ही थे। तो ये उसका स्टोरी।
दैट्स वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड एज कैलायम विच मीन्स कैलाशा. तो इसलिए इसको सदर्न कैलाश भी बोलते हैं, मतलब कैलाश ऑफ साउथ. और जो हम कैलाश पर्वत देखते हैं नॉर्थ के और यहाँ पे आना ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू माना जाता है. तो एक दिन होपफुली जो नॉर्थ का कैलाश है उसका भी प्लान बनाएंगे, होपफुली. अभी तो नहीं, बट थोड़ा टीडियस जॉब है वो सब अप्लाई करना गवर्नमेंट थ्रू और अप्रूवल मिलना. होपफुली अगर लॉर्ड शिवा बुलाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे. सच में कोई हेवन में ही आया ऐसा लग रहा है यार, इतना कूल ब्रीज. ये वो जो सेक्रेट पूल था इसके बाद का जो अपहिल है वो वाला है, और इसके बाद ज़्यादा अपहिल नहीं मिलेगा, मोस्टली डाउन हिल ही. बट बैर फुट चलना आई एम श्योर विंड नॉइस इतना आता होगा, पर बैर फुट चलना डाउन हिल में इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. बैकग्राउंड सो मेसमराइजिंग, मतलब मैं अगर ज़्यादा लेट किया तो अंधेरा हो जाएगा, तो बट ये मोमेंट मैं मिस भी नहीं करना चाहता, तो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. लेट हुआ तो हुआ, चलो देख लेंगे. चलो ये पूरा चढ़ना है पहाड़, स्ट्रगल तो कंटिन्यूस है लाइफ में. बट एक ऐसा मतलब पूरा स्टॉर्म एकदम काम हो गया वैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद, एकदम पीसफुल, एकदम काम, सीरीन, मज़ा आ गया आज. और हाँ, योर लगेज रियली मैटर्स, मतलब अब क्या लाते हो बैग में, जितना कम होगा उतना अच्छा है. मतलब मैं नहीं बोल के भी मेरा इतना हैवी हो गया बैग. मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा कपड़े ये सब लाया था, बट सच बोलो उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, बस टॉवल दो लाना और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कपड़े ये सब ज़रूरत ही नहीं है. इसको जितना देखो उतना कम है, कांस्टेंट विंड है, बहुत ठंडा हो रहा है इधर. मतलब दोपहर को मैं जब यही रास्ते से आ रहा था तब यही सोच रहा था कब आएगा, और अब जब वापस जा रहा हूँ एकदम पीसफुली और एकदम शांत होके जा रहा हूँ, भाई जो ये जो फीलिंग है ना, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वैसा फील हो रहा है अभी मुझे. कोई रश नहीं अभी, कोई घाई नहीं, आराम से जाएगा. एक्चुअली साउथ इंडिया में ऐसा है कि अगर आप मंदिर से आ रहे हो घर पे तो पैर सीधा जाके वॉश नहीं करना है, थोड़ी देर घर पे बैठना है आराम से, और ताकि वो जो पॉजिटिव वाइब्स है आपके जो पैरों की जो मिट्टी है वो घर पे आ जाए और थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ जाए. तो इतना आज मेहनत करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं पैर ही नहीं धोऊंगा, आज जाके मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, कल पैर धोऊंगा नहाने के टाइम, जितना चाहे उतना पॉजिटिव वाइब्स आने दो. वो रहा अपना ईशा, वह स्टिक रख दिया मैंने, अभी मुझे लगा उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे उतरने के टाइम मैं जब प्रेशर दे रहा था वो पूरा बेंड हो रहा था, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि वो टूट ना जाए. अभी तो पूरा अंधेरा हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 6:30, अभी
15 मिनट बस ऐसे ही बैठा था मैं। पैर है ना यार, सीरियसली इतना हर्ट कर रहा है भाई। मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये मैं इतना चढ़ा कैसे भाई। 12 बज रहे हैं और अभी जस्ट पहुँचा मैं। मतलब मैं भी शूज़ है तो शायद जल्दी पहुँचता था, बट विदाउट शूज़ हालत बहुत ख़राब हो गया। फाइनली एक बस मिल गया और अभी टाइम हो रहा है 1:30 और मैं घर पे जा रहा हूँ। और मैंने चप्पल पहन लिया और सीरियसली बोलूँ वो चप्पल इतना कंफर्ट दिया ना मुझे अभी मतलब रिबॉक और नाइकी जॉर्डन ये इतना कंफर्ट दे नहीं सकता जो आज मेरा चप्पल दे रहा है मुझे। चलो, दिस इज हर साइनिंग ऑफ एंड आई थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग विद मी। गुड नाइट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के लिए स्टैमिना ये सब है ऑलरेडी, मतलब थोड़ा तो चाहिए चाहिए। मतलब अगर आप मोटे हैं या यू नो जल्दी थक जाते तो वो सब मैटर नहीं करता है। मतलब स्टैमिना भी मैटर नहीं करता है, खाली एक चीज़ मैटर करता है वो है सुपर हीरो जैसा फील कर रहा था तो सुपर हीरो जैसे एक टॉवल लटका दिया।